वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक मजेदार वीडियो में। तो फ्री फायर में काफी दिन पहले लॉन्च हो गई है एक नई ईवो गन M1014 के लिए, जो कि फिलहाल तो मेरे हाथ में देख सकते हो और थंबनेल तुम लोगों ने देख लिया होगा। गाइज अभी फ्री फायर में आ गया है नया ईवो बंडल और देखो यार हल्का पगला सा गए यहाँ पे, और पगलाने के बाद क्या बंडल बन के आया। आज के इस वीडियो में हम इस पगलाए हुए बंडल को इक्विप करने वाले हैं, देखते हैं मेरे कितने डायमंड्स यहाँ लग जाएंगे इस नए बंडल को निकालने के लिए, और फिर करेंगे कॉपी वाला गेम प्ले कि यार ये बंडल जब जाएगा ना मैच में मतलब आतंक आग लगा देगा। तो यार सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, लाइक कर देना। और चलो यार बिना किसी देरी के इक्विप करते हैं इस नए बंडल को, लेट्स बिगिन। ओके, तो मैंने यहाँ पर एडम कैरेक्टर को इक्विप कर लिया है और अब चलते हैं लक रॉयल के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे दो आइटम्स को डिसलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मुझे ये दो चीजें इन स्पिन में कतई नहीं चाहिए। और चलो अपने पहले स्पिन से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि एडम इक्विप करने का कुछ फायदा मिलता भी है या फिर नहीं। और जिन लोगों को नहीं पता है, एडम मैं इसलिए इक्विप करता हूँ ताकि फ्री फायर को एकदम लगे मतलब मैं गरीब गुरबा टाइप आदमी हूँ और मेरे पास ज्यादा डायमंड्स नहीं है। कभी कभी ये चीज एक्चुअली काम कर जाती है, और यार मुझे लग रहा है कि मेरे सारे डायमंड्स लग जाएंगे, 99 डायमंड्स, और मुझे यहाँ पे कुछ तो मिला है। ओके, तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल मिल गई है, पर मैं इसका करूँगा क्या यार, अब देखते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये वाला टोकन क्रिएट मिल गया जिसके अंदर 5 टोकन थे। अब 199 डायमंड, और तुम भी जानते हो यार बंडल तो नहीं मिलने वाला है। अब हमें यहाँ पर मिलती है ये वाली प्रोफाइल पिक्चर, और अब सीधे 499 डायमंड्स, और भाई साहब फोन गजब वाइब्रेट हो गया मेरा। और ये है हमारा नया स्कॉर्पियो वॉइड बंडल, जो कि मैं अब यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ और फिर इसे इक्विप कर लेता हूँ। हालांकि एडम पे ये बहुत फनी लगेगा, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ओके, तो तुम लोग देख लो कुछ ऐसा सा ये बंडल लगने वाला है हयातों के ऊपर, और काफी ओपी लग रहा है। अभी चलो चलते हैं लक रॉयल के अंदर और देखते हैं कस्टमाइज करने के लिए हमें कितने टोकन्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इमोट है, ये जो एनिमेशन है, और ये अरे भाई साहब सबसे खतरनाक वाला तो मुझे ये इमोट लगता है, गिटार वाला इमोट, मतलब देख सकते हो ना एकदम रॉक स्टार बन गया। और लास्ट में मिलता है ये कस्टमाइज वाला बंडल लुक चेंजर के साथ में, ये सब लॉक्ड है, और मुझे इसे अनलॉक करने के लिए एक ना एक बंडल को यहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा। और मैं सच बताऊँ यार, मुझे रेड वाले से ज्यादा अच्छा ना ये येलो वाला लगता है। तो मैं यहाँ पर अगर सीधे सीधे 95 और टोकन्स यहाँ पे खरीदता हूँ तो मुझे 850 डायमंड्स देने पड़ेंगे, पर अगर मैं बॉक्स लेता हूँ तो हो सकता है मुझे यहाँ पे कम डायमंड्स लगाने पड़े। तो मैं यहाँ पे 700 डायमंड्स के 20 डब्बे खरीदता हूँ और फिर देखते हैं यहाँ पर मुझे कितने मिल गए। 81, क्या बात है यार, पर 81 के बाद भी मुझे कुछ और डायमंड्स लगाने ही पड़ेंगे, 140 डायमंड्स और लगाने पड़ रहे हैं, पर मैं यहाँ पे बॉक्स ही खरीदूंगा। मैं यहाँ पे 5 बॉक्स खरीद लेता हूँ यार, 5 काफी है ना, चलो 200 डायमंड्स, अरे बाप रे। तो मेरे को यहाँ पे चांस है खरीदने के लिए कोई एक बंडल, और मैं यहाँ पे यार ये येलो वाला खरीद लेता हूँ। हाँ भाई, ये येलो वाला ही चाहिए, अब इसे इक्विप कर लेते हैं और देखते हैं कि ये वाला बंडल लॉबी में कैसा लग रहा है। ओ हो हो, तुम लोग देख लो यार क्या सही लग रहा है ना ये बंडल, इमोट वगैरह भी काफी सही लगेगा इस पर। चलो यार इसे कुछ टाइम के लिए अपने गेम प्लेस में यूज करेंगे, आगे वीडियोस में तुम्हें ये वाला बंडल मिलेगा। अब मेरे को यहाँ पे स्टेप 1 में मिल गया है इक्विप करने के लिए ये वाला इमोट, और ये अपने आप यार मुझे लगता है अनलॉक हो गया है। ओके, तो इसे यहाँ कहीं लगा लेते हैं, और मुझे इसे खरीदना नहीं पड़ा मतलब पैसा वसूल हो गया। और स्टेप 2 के लिए मुझे अनलॉक करना पड़ेगा एक और बंडल, और जब मैं यहाँ पे चारों के चारों बंडल खरीद लूंगा तब मुझे मिलेगा ये वाला लुक चेंजर, और मुझे लगता है ये वाले फ्री मिलेंगे, मतलब ये लुक चेंजर भी मुझे फ्री मिल जाएगा अगर मैं ये चारों के चारों यहाँ पर खरीद लेता हूँ। और चलो यार पहले देख लेते हैं कि ये वाला स्कॉर्पियो वाला कप वाला इमोट कैसा लगता है। मारो मुझे मारो। काफी सही है यार, अभी फिलहाल मेरे पास जितने डायमंड्स हैं और जितने मैं लगा चुका हूँ, मुझे यार लगता नहीं है कि मैं सारे के सारे यहाँ पे खरीद पाऊंगा, और मैं सोचता हूँ कि मैं खरीदना चाहता भी नहीं हूँ यार, क्या करूंगा यार इन्हें खरीद के। अब यहाँ पे 870 डायमंड्स मेरे और लग जाएंगे, 870 और लग जाएंगे, और फिर मैं एकदम कंगाल हो जाऊंगा, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। अभी मैं फिलहाल इस बंडल से काफी खुश हूँ। अब चलो यार चलते हैं करने एक ओपी वाला गेम प्ले, और फिर देखते हैं कि इस बंडल में मतलब क्या बात है इस बंडल में, तुम्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए तो मैं खरीदता हूँ ताकि तुम्हें पता चले। लाइक करके जाना वीडियो में, सही बता रहा हूँ। चलो यार लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं CS रैंक मैच के अंदर, और मेरी दोनों फेवरेट गन यहाँ पर है, इनफैक्ट M1014 भी हमें यहाँ पे मिल रही है, सारी गन्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। और फिलहाल मैं यहाँ पे डबल पिस्टल के साथ करेंगे शुरुआत, और मुझे लगता नहीं यार यहाँ पे बंदे
सही है, सही आए होंगे, मतलब ये वाला मेरे को बॉट सा लग रहा है। पर यार वही बात ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हो सकता है यार ये बंदा सबसे ज़्यादा ओपी, ये भी कोई यूट्यूबर हो, अज्जू भाई हो सकता है ये, मतलब मैंने ज़्यादा बोल दिया। अभी ऐसे स्टे करने से कोई मतलब नहीं बनता, मैं बस भिड़ने जा रहा हूँ। क्या मतलब यार स्टे करने से, ये तो ऊपर है यार, इसको कैसे मारे, ऊपर कैसे जाए, नीचे वालों के साथ ही रहना पड़ेगा। अब एक बंदा दिखा था यार, अबे तू जा, मतलब क्या यार, मतलब भाई से पंगा ले रहे हो तुम, है शर्म वरम नहीं आती। हम कितने बंदे बचे, हम तीन बंदे हैं, वो दो बंदे हैं, मार सकते यार इन्हें। अरे यार ये तो मुझे पहले मारने पे तुला हुआ। अरे अरे बस ये बस मर जा। अरे यार ग्रेनेड लग जाना, मतलब किल मिल जाएगा मुझे इसका, 50 का डैमेज मिला है अभी, मुझे किल तो नहीं मिलेगा। पर ये लोग भी तो नहीं मार रहे ना यार। चलो यार डबल किल मिल गया तुम्हारे भाई को, और सक्सेसफुली पहला राउंड तो हमने आराम से यहाँ पर निपटा दिया। अब चलते हैं सेकेंड राउंड में और देखते हैं कि मुझे कितने यहाँ पे गन्स मिल गए। चलो यार M1014 मिल गई है, तो मैं यहाँ पे M1014 को ले लेता हूँ, क्योंकि वही तो यार हमारी प्यारी दुलारी। साइद को रखे या ना रखे, चलो यार नहीं रखते। वैसे तुम लोग को पता होगा BGMI अनलॉक हो गया, मतलब मैं भी अभी तक फ्री फायर के मूड में हूँ, अनलॉक नहीं हुआ, अनबैन हो गया। मैं तो भी सोच रहा हूँ फ्री फायर कब अनबैन होगा यार, या कभी होगा भी या नहीं होगा। पीछे चलो देखते हैं कि कोई बंदा है या नहीं। ओह इसकी गन मिल गई यार मुझे, सही है, ऐसे बंदे मरते रहे। अरे बंदा मरा भी तो अपना ही है। नहीं यार ऐसे बंदे ना ही मरे तो बेहतर है। अच्छा आएगा आएगा, तू पास तो जरूर आएगा मेरे, आना यार। अरे अरे क्या क्या, अरे यार शिट, मतलब पीछे से मार दिया। पीछे से बाहर गाइस, बर्दों कितना तो खेलना ही नहीं आता है ना। हाँ मतलब ये डायलॉग मार सकते हैं ना मरने के बाद, और क्या ही बोल सकते हैं। और सामने वालों के दो बंदे, हमारे दो बंदे, और ये वही बंदे जिसको मैं कह रहा था यार हो सकता है ये बॉट हो, मतलब बॉट या नया नूब आदमी। अब हमारा एक बंदा और उनके दो बंदे, देखते हैं ये वाला बंदा क्या ही मचाता है। मेरी साइथ तो इसी ने उठाई है, चल भाई साइथ के नाम पर ही कुछ किल विल दे देना यार। अपना भाई काफ़ी संभल के खेल रहा है, इसको लाइक दे देते हैं। चल भाई कुछ करना यार, एक हाथ फायरिंग ही कर दे। वैसे मुझे पता है नहीं निकाल पाएगा तू, पर कोई बात नहीं यार। ये तो बड़ा अजीब बंदा यार, ऐसे ओपनली आ गया। अब 1v1 है, और डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास कौन सी गन है, ये मैच निकल पाएगा या नहीं। यार ये तो वही बंदा जिसने मेरे को मारा था भाई, इसको मार देना मतलब बदला पूरा हो जाएगा। अरे भाई क्या बात है यार, तेरे को तो मतलब इमोजी भी देना ही पड़ेगा। भाई ने उस बंदे को मारा जिसने मुझे मारा था, लव यू, गिव अवे, मतलब गिव अवे। अब वो कैसे लोगे तुम मुझे नहीं पता। ओके तो मेरे पास दोबारा मौका है M10 लेने के लिए, तो मैं M10 ही ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। और उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट कर लेते हैं वेस्ट के लिए, पर मुझे लगता नहीं कोई देगा। चल यार तू मेरी साइथ वापस कर दे यार, तूने वेस्ट नहीं दी मेरे को। मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास शॉटगन है, सामने कोई बंदा मिल गया तो ठाप ठाप ठाप। मामला बहुत गर्म है, उनका एक बंदा नॉक, हमारा एक बंदा नॉक, और यहाँ कोई आ ही नहीं रहा यार। अरे यार हमारे दो बंदे नॉक हो गए, काश मेरे पास कोई लॉन्ग रेंज गन होती। नहीं है, पर हो सकता है यार ये गन किस्मत में लिखी हो, इसी से सबका मरना लिखा हो, तय हो सबका। ये तेरे को क्या लगा था, क्या लगा था तेरे को, हम दो बंदे हैं, वो एक बंदा है, और अब मेरे हाथ में है MP40, और भाई इससे तो बचना मुश्किल ही है जब ये मेरे हाथ में। फुटस्टेप की आवाज आ रही है, ये बंदा ऊपर ही है क्या,
नहीं यार, ये इतना पास है कि शॉटगन से मारो से ज्यादा सही। हालांकि मुझे किल नहीं मिला है, पर हम लोगों ने यहाँ पे चार राउंड निकाल लिया, मतलब तीन राउंड निकाल लिया, चार राउंड बस निकलने ही वाले। और इसी के साथ रैंक भी डबल अप होगी और ये मैच भी हम जीत जाएंगे। ये बंडल मेरी किस्मत के लिए मतलब गुड लग ही रहा है। और यहाँ पे मैंने झोली भर ली है वैसे ग्लूवल से, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे हाथ में अभी फिलहाल नहीं है भूया निकालने के लिए। मैं वेस्ट को फिर छोड़ देता हूँ ताकि हमारा बॉट भाई यहाँ पे उठा ले उसे। ओके ओके लेट्स गो। वैसे यार मैंने यहाँ पे इमोट नहीं मारा। अरे यार कोई मेरा इमोट तो देख लो यार, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है यार। चलो यार यहाँ पे किल निकालते हैं। अभी फिलहाल मैंने किसी को नॉकडाउन किया ना तो इमोट मारूंगा पक्का। ओहो ये तो वही बंदा जिसने मेरे को मारा था। अरे यार ये वाला इमोट मारा था मेरे को। हाँ चलो ये तो देख रहा है कम से कम। यार दुश्मन को इमोट दिखाने में क्या मजा, मतलब जो सुकून है ना यार वो किसी चीज में ही नहीं है। अब चलो किसी और को मारते हैं। विवेक भाई तुम्हें कौन नॉकडाउन कर रहा है, कहाँ है यार वो बंदा, मारा तो यहीं कहीं से। अरे यार मैं लास्ट बच रहा हूँ क्या, मुझे लगता है उनके पास जाना ही पड़ेगा। अरे शिट मैं जोन में मर जाऊंगा यार, मैं जोन में मर जाऊंगा। नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे नहीं अरे नहीं 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 अरे नहीं 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 अरे यार ये इस चीज़ का फायदा उठा लेंगे, मुझे काफ़ी डैमेज मिल चुका है ना। अबे मेरे हाथ में शॉर्ट गन है तो पंगा क्यों ले रहा है मेरे से। ठीक है ठीक है ठीक है हो जाता है कभी कभी हो जाता है। लास्ट राउंड निकालना है, अभी निकाल के देता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लेना। अभी मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ MP40 वेस्ट हेलमेट और इसके बाद हम भूखे नंगे हो गए। देखे यार चार्ट में सबसे टॉप पर कौन है, मैं तो नहीं हूँ यार, पहली बार मैं नहीं हूँ यार, कितनी गलत बात है। चलो चुनो उसकी भाई रेट बढ़ाओ अपने। मेरे पास ग्लू वॉल नहीं है पर मैं बस सामने जाके भिड़ जाऊँगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा यार मर जाएंगे। पर मुझे सिर्फ एक राउंड निकालना है और उन्हें फिलहाल दो राउंड निकालना है। ये तो असॉल्ट राइफल लेके काफ़ी दूर से मार रहा है। चल यार तू आजा, मुझे लग रहा है इसके मूवमेंट को देखे कि ये बॉट है, पर सॉरी यार ये खेल तो मैं ही लूंगा यार। भाई मेरे पास पक्का ग्लू वॉल होती ना यार तेरे को जरूर से मैं रिवाइव देता, पर नहीं थी। अरे अरे शॉट ही नहीं लग रहा यार इसे। ठीक है हम तीन बंदे हैं, ओ हम चार बंदे हैं और उनका एक बंदा है। चलो देखते हैं इस पोटली में क्या है, मेरे मतलब की एमओ थी। ये बंदा पक्का नीचे होगा क्योंकि मैं होता तो मैं भी यही करता। अरे नहीं नहीं यार ये तो ऊपर ही है। चलो यार भूया निकला है और ये रहा मेरा फाइनल इमोट। गाइस कैसी लगी तुम्हें ये गेम प्ले, कैसा लगा तुम्हें आज का ये वाला नया ईवो बंडल? गेम प्ले को रेट करना बिल्कुल मिस मत करना और यार सब्सक्राइब कर दो अगर अभी भी नहीं करा है। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करके जाना और चलो यार मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए गेम प्ले के साथ, एक नए इवेंट को लेकर, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। अरे विवेक भाई ने यार खेलने के लिए बुला रहे हैं।